हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज बनाते हैं त्योहारों वाली थाली। तो त्योहार अभी स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे दिवाली वगैरह आ रही है, तो मेहमान वगैरह जब घर पे आते हैं तो फटाफट से 30 मिनट में आप क्या बना सकते हो, तो उसका कुछ आइडिया वगैरह शेयर कर रही हूँ आपसे। तो ये मैं बना रही हूँ किनकी से चावल। तो मैंने पालक उबालने के लिए रख दिया है, अभी मैं चावल बना रही हूँ। तो ये अनियन राइस बना रही हूँ किनकी से। तो 2 चम्मच घी डाले हैं, उसके बाद प्याज मतलब जीरा का तड़का लगा के प्याज डाल दिया है मैंने। एक हल्का सा भून गया है, तो उसमें जो चावल है वो धो के डाल दिए हैं, उस उतना ही पानी डाल दिया है। तो ये फटाफट से 15 मिनट में या 10 मिनट में बन जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तब तक हमने ग्रेवी भी बना ली है, तो ये मैंने प्याज टमाटर और हरी मिर्च की ग्रेवी बना ली है, और ये पालक उबल चुका था तो इसकी भी ग्रेवी बना ली है। अब इसमें तड़का लगा देते हैं। तो जीरा और तेज पत्ता, हल्दी डाल के, 2 हरी मतलब लाल मिर्च डाल के, जो ग्रेवी थी प्याज टमाटर और हरी मिर्च की वो डाल दी है। लहसुन डालना चाहते हैं तो लहसुन डाल सकते हो, मैंने लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया है इसमें। उसके बाद मसाले ऐड कर दिए हैं, वही धनिया, लाल मिर्च और हल्दी। हल्दी मैंने पहले डाल दी थी। उसके बाद में ये जो हमारी ग्रेवी है वो पक चुकी है, तो उसके बाद में जो पालक हमारा पक चुका था वो डाल दिया है। अब हमारी ये भी पालक भी पक चुका है, हल्का सा तेल छोड़ दिया है। तो इसमें घर की जो मलाई है वो डाल दी है, क्योंकि इससे मलाई में से क्या होगा, जैसे क्रीम भी डाल सकते हो आप, लेकिन अगर आपको घर पे ही जैसे मेहमान आते हैं तो एकदम से थोड़ी बता के आते हैं और फिर हमें क्रीम लानी पड़े मार्केट से, तो घर पे तो क्या मलाई अवेलेबल रहती है हमेशा के लिए, हम घर पे पड़ी रहती है, तो वो डाल सकते हो। फिर पालक पनीर हमारा बन चुका है। पालक मतलब पनीर काट के डालने के बाद में उतार सकते हो फटाफट से। उसके बाद दूसरी सब्जी बना रही हूँ मैं, सूखी सब्जी आलू की। अब उबालने का टाइम नहीं है आलू, तो ये सूखी वाली सब्जी डाल सकते बना सकते हो आप। तो इसमें मैंने जीरे का तड़का लगाया है, और इसमें जो कलौंजी है और जो साबुत धनिया है उसका तड़का लगाया है, और आलू काट के डाल दिए छील के, और चाट मसाला डाल दिया है। अब पकने देते हैं, थोड़ी देर में पक के तैयार हो जाएगी ये सब्जी, बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत टेस्टी लगती है ये। उसके बाद में रायता बना दिया, तो रायता के लिए दही फेर दिया है, और जो मसाले होते हैं सारे डाल दिए हैं, भुना हुआ जीरा वगैरह, बूंदी वगैरह। अब ये पराठे बना रहे थे, आप इसकी जगह पूड़ी बना सकते हो, मैं पराठे बना रही हूँ, क्योंकि पूड़ी पराठा जो भी है वो आप बना सकते हो। तो ये भी फटाफट से बन जाता है, तिकोना या फिर चार कोना या फिर रोटी या कुछ भी बना सकते हो आप, जो भी आपको बनाना है। तो ये क्या जो थाली आप बना रहे हो ये 30 मिनट में बनके तैयार हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको बनाने में, तो आप परोस देते हैं इसको। तो ये हमारी अनियन राइस बनके तैयार है, और ये पालक पनीर, और ये हमारा रायता तैयार है, ये आलू की सूखी सब्जी भी तैयार है, इसको उबालने की झंझट नहीं है। ये हमारा पराठा तैयार है, इसमें सलाद के लिए अनियन काट के डाल देते हैं।